हमारा बैंगल्स जब भी पुराना हो जाता है तो हम उसको इस तरह से निकाल के रख लेते हैं और नया चेंज कर लेते हैं। एंड आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सारे बैंगल्स इस तरह से होगा, और हम इसको फेंकते भी नहीं है, कुछ इस तरह से लगाव भी बन जाता है। तो चलिए इस तरह के बैंगल्स, पुराने बैंगल्स को यूज़ करके कुछ DIY बनाते हैं आज। नमस्कार, मैं हूँ सुनीता रथ, वेलकम टू सुनीता रथ वर्ल्ड। यूजफुल वीडियो बनने वाली है। अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से इसको छाट के ले रही हूँ। अगर कोई भी फटा हुआ है तो उसको नहीं लेना है, अच्छा वाला लेना है। अगर आपने मार्क किया होगा तो ये मैं लास्ट टाइम पहनी थी उसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसको टाई करने के लिए ऊल यूज़ कर सकते हैं या फिर मास्क टेप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऊल यूज़ करके इसको टाई करने वाली हूँ। तो मैं मार्क करके इस तरह से कट करके इसी को टाई कर रही हूँ। एक बैंगल्स के ऊपर एक को रखना नहीं है, उसको पार्लली रख के टाई करना है। ये इसका एक ही टिप्स है। तो हम सारे अभी टाई कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए ये टाई हो चुका है मेरा सारा। अब क्या करते हैं, जो भी आपके पास हैंगर हो उसके साथ हम इस तरह से टाई कर लेंगे। और इसको हम क्या करने वाले हैं, कुछ गेस कीजिए, कर पा रहे? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये हो गया हमारा दुपट्टा ऑर्गेनाइजर। दुपट्टे को इसके अंदर इस तरह से रख सकते हैं, चाहे आप बाहर भी इस तरह से रखें तो भी अच्छा दिखता है, और चाहे आप कबर्ड के अंदर भी रखें तो भी अच्छा दिख रहा है। आप स्कार्फ्स वगैरह भी रख सकते हैं। ये दूसरे टिप्स की ओर चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास इस तरह की डिजाइन चूड़ियाँ हैं जो है पुराना है। इसको हम ग्लू देके, या आप यहाँ पर हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर फेविकल यूज़ कर रही हूँ। तो एक के ऊपर एक रख के स्टिकअप कर लेते हैं। ज़्यादा हाइट नहीं करनी है, थोड़ा सा करनी है जैसे मैं दिखा रही हूँ। और आप इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए दीजिए, ड्राई हो जाए तो ये अच्छे तरह से फिक्स हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिया लगाकर उसके ऊपर इसको इस तरह से रख देते हैं। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना, और खालीपन नहीं लग रहा है दिया का, है ना। ये है तीसरे टिप्स की ओर। यहाँ पे मैंने ऐसे ही एक के ऊपर एक चूड़ियाँ को जॉइंट कर लिया है, और नीचे एक कार्डबोर्ड देके थोड़ा सा डिजाइन के लिए लेस लगा दिया है। अब इसके अंदर आप स्केच पेन रख सकते हैं, पेंसिल्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इस तरह से टेबल के ऊपर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।